हे माय लव्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सलोनी। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सरस्वती पूजा मेकअप लुक। आप देख सकते हो ये लुक कितना ब्यूटीफुली टर्न आउट हुआ है। एंड ये जो लुक है ना, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, साथ साथ इजी भी है। अगर आप एक बिगिनर हो ना, तो डेफिनेटली आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। मैंने बताया है इस लुक का बेस मेकअप करने के लिए मैंने ओलिविया पेंस्टिक का यूज़ किया है। सो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप ओलिविया पेंस्टिक को कैसे यूज कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगी। सो बिना देर करे चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, तो आज हम करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप सरस्वती पूजा मेकअप लुक फॉर बिगिनर्स एंड ऑल्सो प्रो। आप एक हिंट ले सकते हो यहाँ से आपको कैसे मेकअप करना है उस दिन। सो यहाँ पे मैंने अपना CTM कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइट का पोर मिनिमाइजर फेस प्राइमर। इसको मैं पूरे अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, फिर फिंगर की हेल्प से अच्छे से मसाज कर ले रही हूँ। ये फेस प्राइमर काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड बहुत ही अच्छे से ये आपके स्किन पे वर्क करता है। सो अगर आपको एक अफोर्डेबल प्राइमर चाहिए देन डेफिनेटली आप इसके साइड जा सकते हो। ऑयली स्किन के लिए ये प्राइमर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो आज मैं अपना आई मेकअप पहले करूंगी, फेस का मेकअप बाद में करूंगी। यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। सेट वगैरह सारा आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, सो एक बार आप चेकआउट कर लेना अगर आपको सेट वगैरह जानना है तो। सो इसे मैं अपने आईलिड्स पे पूरा अप्लाई कर ले रही हूँ एज अ आई बेस। अभी आप पूछोगे आई बेस क्या होता है, लाइक जब भी हम कोई भी लाइटर कंसीलर अपने आईलिड्स पे अप्लाई करते हैं उसके बाद जो भी हमारे शैडो वगैरह अप्लाई करते हैं वो पॉप होके आता है, उसका जो कलर होता है ना वो इंटेंस हो जाता है। इससे हमारा आई मेकअप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो इसको अप्लाई करने के बाद एक पाउडर से मैं सेट कर ले रही हूँ। आप कोई भी पाउडर ले सकते हो, आप चाहो तो लूज पाउडर भी ले सकते हो, कॉम्पैक्ट भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट लिया है, कॉम्पैक्ट से पूरा आईलिड्स को सेट कर दिया है ताकि जो भी मैं आई शैडो अप्लाई करूँ वो क्रीज ना करे। नेक्स्ट मैंने लिया हिलेरी रोडा का आई शैडो पैलेट और इसमें से मैंने पिंक शेड लिया है। इस शेड को मैं पहले अपने आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ, प्लेस करके ब्लेंड कर रही हूँ एंड थोड़ा थोड़ा क्रीज लाइन में भी प्लेस कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। जैसा वीडियो में देख रहे हो सेम आपको वैसा ही करना है एंड आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है। जितने अच्छे से आप ब्लेंड करोगे आपका आई मेकअप उतना ही ज्यादा स्मूथ आएगा। नेक्स्ट मैंने लिया है लाइट पर्पल शेड एंड इसको मैं अपने क्रीज में सेम प्लेस कर रही हूँ एंड आउटर कॉर्नर में एंड प्लेस करके अगेन में बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है ये वॉयलेट या डार्क पर्पल, जो भी आप बोलो, उसको भी मैंने सेम क्रीज में प्लेस करा है एंड आउटर कॉर्नर पे प्लेस करा है। प्लेस करके बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया है, आप देख सकते हो कितना स्मूथली ब्लेंड हुआ है। नेक्स्ट आपको लेना है एक हाइलाइटर सेट एंड इसको मैं अपने हाफ आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। नेक्स्ट मैंने लिया है प्रेस क्लेटा सिल्वर कलर में एंड इसको मैं अपने आईलिड्स पे प्लेस कर रही हूँ। जहाँ पे मैंने सिल्वर हाइलाइटिंग शेड अप्लाई किया था उसके ऊपर जस्ट मैं प्लेस कर रही हूँ, थोड़ा सा, पूरे आईलिड्स पे नहीं, सिर्फ हाफ आईलिड्स पे। आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मे का लिक्विड इंस्टा आईलाइनर। बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे मैंने विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है, आप चाहो तो सिंपल आईलाइनर भी ड्रॉ कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। सो यहाँ पे हम कोई भी फॉल्सेस नहीं अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे मैंने पिक करा है मैबेलिन का मस्कारा, ये काफी अच्छे से हमारे लैसेस को कोट करता है एंड हमारे लैसेस को डेंस दिखाता है, ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, यू कैन गो विद दिस। मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पाउडर, उसको मैंने शो नहीं करा है, उसी से मैं अपने आईब्रोज को फिल करती हूँ एज यू ऑल नो। सो अच्छे से अपने आईब्रोज को नेचुरली फिल कर ले रही हूँ। नेक्स्ट मैंने हाइलाइटिंग शेड लेके अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया है एंड यहाँ पे आप मेरा आई मेकअप देख सकते हो कितना ज्यादा प्रिटी टर्न आउट हुआ है, लाइक मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट मैंने लिया है ओलिविया पेन स्टिक, इसमें जो मेरा सेट है वो है 04, और भी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो आप चेक कर लेना। एंड ये बिल्कुल क्रीमी था, लाइक बहुत ही अच्छा था। सो इसको मैं पूरे अपने फेस पे पहले डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन ये जो है ना इसका जो अंडरटोन था वो पिंक था एंड मेरा जो अंडरटोन है वो वार्म है, सो थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इसको बैलेंस कर लूंगी। अब वीडियो में देखना कैसे बैलेंस किया है मैंने। सो यहाँ पे मैं ओलिविया को ब्लेंड करने के लिए एक ब्रश का यूज कर रही हूँ, फाउंडेशन ब्रश का। इसको अच्छे से मैं अपने पूरे फेस पे लाइक राउंड राउंड ऐसे करके ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब भी जब भी ओलिविया अप्लाई करो ना, उसको पहले ब्रश से ब्लेंड करो। अगर आप पहले ही ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे तो वो सारे प्रोडक्ट को सोक कर लेगा, साथ ही साथ आपको थोड़ा भी अच्छा कवरेज नहीं मिलेगा। तो पहले आपको ब्रश से ब्लेंड करना है, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा थोड़ा आपको डैब डैब करना है, ज्यादा नहीं करना है, अदरवाइज वहां से आपका ओलिविया हट जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करना है, लाइक जहां आपको
अनइवन लगे वहां पे थोड़ा सा ब्लेंड कर लो। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे अगेन स्विस ब्यूटी का कंसीलर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंसीलर वार्म अंडरटोन में है जिससे पूरा मेरा फेस का जो मेकअप है वो बैलेंस हो जाएगा। लाइक ये पिंक अंडरटोन में है, यहाँ पे मैंने वार्म अंडरटोन का कंसीलर अप्लाई कर लिया तो अभी ये पूरा मेरे फेस से लाइक मैच करेगा। ऐसे ही हम कलर को बैलेंस करते हैं। अगर आपके पास कोई डार्क शेड का फाउंडेशन है तो आप लाइट शेड का कंसीलर अप्लाई करके उसको बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिया है रिकॉर्ड का लिप एंड चिक टिंट, तो इसको मैं अपने लिप्स पे नहीं अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ अपने चिक्स पे फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ एंड फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। इसको मैंने इसलिए अप्लाई करा कि जब हम इस पे पाउडर ब्लश अप्लाई करेंगे ना तो वो ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगा। पहले हम बेस देते हैं उसके बाद पाउडर से उसको सेट करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक स्टे करता है। यहाँ पे मैंने लिया है फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट, इससे मैं पूरी अपनी ओलिविया पेन स्टिक को और कंसीलर को सेट कर दूंगी जिससे हमारा मेकअप अच्छे से सेट हो जाए एंड ज्यादा टाइम तक स्टे करे। फेस का फीचर एनहांस करने के लिए यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रॉन्जर शेड, मैंने ये ब्रॉन्जर शेड लिया है ब्राउन कलर में है, एंड इसको मैं अपने चिक्स पे जॉ लाइन पे नोज पे अप्लाई करूंगी अच्छे से ब्रश की हेल्प से। इससे जो हमारा फेस का फीचर है ना वो इनहेंस हो जाता है, लाइक जो भी हमारा फेस रहता है ना वो और उभर के आता है। मैंने यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट यूज किया है उन सारे का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको चेक करना होगा तो आप जाके एक बार जरूर चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है शुगर का ये ब्लश, बहुत ही अच्छा ब्लश है, पीच काइंड ऑफ में है, अगर आप फेयर स्किन टोन वाले हो तो एक बार इसको जरूर ट्राई करो। सो जहाँ पे मैंने रिकॉर्ड का लिप एंड चिक टिंट अप्लाई किया था जस्ट उसके ऊपर मैं को प्लेस कर रही हूं। अगेन मैंने ये मी ऑन स्टूडियो का आई थिंक ये फेस पैलेट है, डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसमें से मैंने सिल्वर एंड गोल्डन हाइलाइटर को मिक्स करके अपने चिकबोन पे अप्लाई करा है, साथ ही साथ आईब्रो के एंड में अप्लाई करा है सो दैट हमारा जो फेस है ना वो नेचुरल ग्लोइंग लगे, एंड थोड़ा सा अपने नोज पे अप्लाई करा है, ब्रिज ऑफ द नोज पे, फॉरहेड पे, चिन पे। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने लिपस्टिक के साइड। सो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सुगर का स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक, एंड इसमें जो मेरा सेट है वो है 03 Tan Fan आई थिंक, सो डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। बहुत ही प्यारा ये पिंक शेड है, लेकिन ये लिपस्टिक मेरे को इतना डार्क नहीं रखना था, मेरे को थोड़ा सा इसको लाइट करना था, वार्म करना था, तो मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का ब्राउन लिपस्टिक लिया है, उसके ऊपर से अप्लाई कर लिया है, इससे जो थोड़ा इसका लाइक अंडरटोन है वो वार्म हो गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी हम चलते हैं बैक टू आई मेकअप। सो यहाँ पे मैंने अपने अंडर आई एरिया में थोड़ा सा पर्पल शेड स्मज करा है, नेक्स्ट थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई करा है जिससे हमारा आई लुक कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे और डिफाइन लग रहा है मेरा फाइनल लुक। इस लुक को मैंने कंप्लीट किया है एक छोटू सी बिंदी के साथ, एंड बड़ा बड़ा मैंने इयररिंग पहना है, काफ़ी अच्छा लुक देता है। साथ में मैंने एक वाइट रोज अप्लाई करा है अपने हेयर में, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, पूरा सरस्वती पूजा वाइब दे रहा है। अगर आप इस लुक को रिक्रिएट करने वाले हो देन कमेंट करके जरूर बताओ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।